बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ व्लॉग, और जो कि बहुत मज़ेदार है। इसमें हम अपनी भांजी अश्ना का बर्थडे अपने घर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसका बहुत ज़्यादा मन था कि हम लोग सब लोग अपने घर में, यानी कि नानी के घर में उसका बर्थडे हो। तो देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़े का वीडियो है। तो देखिए, ये हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, और बिरयानी की हम तैयारी कर रहे हैं, मसाला हम काट रहे हैं, और इधर जो है प्याज फ्राई हो रही है बिरयानी के लिए। और मेरी वीडियो को आप सभी लोग फुल वॉच करिएगा, बहुत मज़े की वीडियो आगे की अभी आप सबको देखने को मिलेगी। और सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, और देखिए ये अलिजबा जो है सब डेकोरेशन के लिए सब बलून फुला रही हैं, और ये सुबह से आ गई थी मेरे घर पे, और देखिए ये डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो ये थोड़ा आपको दिख रहा है, आगे आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा डेकोरेट करा था इन लोगों ने माशाल्लाह। और अलिजबा आ गई थी मेरे घर पे 11 बजे सुबह, और इनको रात में नींद भी नहीं आ रही थी कि बस सुबह हो और हम जा करके सब तैयारी करें। तो देखिए, ये हमने बनाया था जर्दा, जिसको कि जर्दा मुतंजन बोलते हैं, उस तरह का हमने बनाया था। वीडियो को फास्ट करके दिखा दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और ये देखिए, ये बन गई है अखनी, यानी कि जो बिरयानी या कौरमा होता है उसको हम लोग अखनी भी बोलते हैं। तो इन सब जल्दी जल्दी बढ़ा के हम दिखा रहे हैं, और देखिए ये जर्दा भी बहुत ही टेस्टी बना था, सबको खाना बहुत मज़े का लगा था। बिरयानी बनाया था हमने, चिकन बिरयानी, और ये मुतंजन जर्दा बनाया था। तो फ्रेंड्स, बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है ना, कि जब बर्थडे होता है, छोटा मोटा फंक्शन अगर आप लोग अपने घर में करते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, गेट टुगेदर हो जाता है, और बच्चों की ज़्यादा ही खुशी होती है। नहीं तो बर्थडे तो वैसे हम लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िद थी तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कर लेते हैं। देखिए, ये हम पास्ता बना रहे हैं, पास्ता या मैक्रोनी जो भी कहा जाता है। तो देखिए, हम इसको फास्ट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमको फुल रेसिपी तो देना नहीं है, बस आप लोगों के साथ ऐसे ही हमें पूरा शेयर करना है कि हमने क्या क्या किया था बर्थडे वाले दिन। और हम इस तरह से बना रहे हैं सब, और ये भी बहुत ही टेस्टी बना था, जो कि सबको बहुत मज़े का लगा था। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी सुबह से, बहुत गर्मी थी, लेकिन शाम के टाइम बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बारिश भी हो गई थी, तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह सभी को। लेकिन सुबह से तो फ्रेंड्स बहुत गर्मी थी, लेकिन जब कोई फंक्शन हो तो फिर कुछ पता नहीं चलता है, इतना एहसास नहीं होता है, और मज़ा भी बहुत आया था। इंसान काम करके थक ज़रूर जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। और देखिए, ये गिफ्ट पैक हो रहे हैं, जो कि मेरी सिस्टर जो अलिजबा की मम्मी है, वो इसको गिफ्ट को पैक कर रही है। रिटर्न गिफ्ट भी बटे थे सारे बच्चों में, और देखिए रिटर्न गिफ्ट बच्चे हाथ में लिए हुए हैं, और ये देख लीजिए आप डेकोरेशन। और ये अब आ गया है टाइम केक कटिंग का। तो देखिए, सब यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, और आप लोग तो सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि इन सबको आप देखते रहते हैं बराबर, और सब में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो देखिए, ये हम लोगों ने मंगाया था चॉकलेट केक, और ये बहुत ही टेस्टी और यमी केक था, जो कि बाद में जब हम लोग ने खाया तो बहुत मज़े का लग रहा था। और ये सब लोग एक एक कैप लगा रहे हैं, और ये हैं अश्ना बर्थडे गर्ल, जो कि मेरी सिस्टर शगुफ्ता की बेटी हैं, वो आप लोग जानते होंगे। और हम लोग ने बस ऐसे ही आपस में ऐसे ही गेट टुगेदर कर लिया था, बहुत सारे गेस्ट मेहमान नहीं आए थे, बस थोड़े बहुत लोगों को बुलाया था। तो देख लीजिए आप, सारे बच्चे कितना मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे, और सब बच्चों ही के लिए करा था।
देखिए सारे बच्चे खड़े हुए हैं और ये मरियम को बहुत डर लग रहा है। वो सोच रही है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये सोच रही है कि इसमें से कोई आवाज़ तो नहीं आएगी बड़ाम से। आप देख सकते हैं बच्चे कितना खुश हो रहे हैं। और ये अब्दुल मुइज़ और अब्दुल हादी भी आप देख रहे हैं ना, इन ये दोनों भी बहुत ही मज़ा ले रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। इन लोग को भी देख रहे हैं ना आप, अब देखिए ये इन लोग जो हैं सारे बच्चे एक साथ पकड़ के हाथ और केक काटेंगे। और ये अब्दुल मुइज़ कह रहे थे कि हमको भी काटना है भाई। और देखिए ये क्लैपिंग क्लैपिंग हो रही है और अब्दुल हादी इस टाइम नहीं दिख रहे हैं। और अब जो है अशना खिलाएंगी सबको केक। तो देखिए सबको बारी बारी से अब ये अशना केक खिला रही हैं। और ये देख लीजिए अब्दुल हादी भी आ गए हैं और मरियम जो हैं, मरियम और अशना में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, बहुत दोस्ती है और दोनों में लड़ाई भी बहुत होती है। अशना और मरियम में बिल्कुल नहीं पड़ती है क्योंकि दोनों थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो होता है ना कि थोड़े बहुत छोटे बड़े जो होते हैं भाई बहन, उन लोगों में आपस में कम पटती है, ज़्यादातर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा। और कुछ लोगों में पट भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए अब सब लोग करेंगे नाश्ता। और ये देखिए सब लोग अब गिफ्ट दे रहे हैं अशना को, तो मरियम भी अब देंगी इनको। और ये शगुफ्ता भी अपना वीडियो बना रही हैं और सब धीरे धीरे अब आ रहे हैं गिफ्ट लेके। तो सबसे पहले दिया है मरियम ने जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है, और ये भी है मेरी कज़िन है जो अभी दे रही थी एनवेलप, और ये भांजी मेरी अरीबा। और मरियम तो दे चुकी हैं और अब्दुल मुइज़ तो बिल्कुल पास में ही खड़े हुए हैं क्योंकि इनको तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और देख लीजिए आप ये भी गिफ्ट पकड़े हुए हैं, और ये बनाया था अरीबा ने कुछ अपने हाथ से ड्राइंग करके, बहुत प्यारा सा बनाया था मरियम और अरीबा की तरफ से। तो देखते जाएं फ्रेंड्स आगे आगे, और भी बहुत अच्छा वीडियो है ये, और फुल वॉच करिएगा प्लीज़। और फ्रेंड्स फुल वॉच के साथ साथ विद दैट भी देखा करें मेरा वीडियो, बल्कि हम ये कहते हैं कि सभी का वीडियो फुल वॉच और विद दैट देखा देखना चाहिए। और देखिए अब ये सारे बच्चे धीरे धीरे हट गए हैं उधर से, और ये अब सब लोग जो हैं रिटर्न गिफ्ट, ये अलिजबा जो हैं वो सबको रिटर्न गिफ्ट दे रही हैं सारे बच्चों को। हाँ तो ये अशना के हाथ से दिया जा रहा है क्योंकि भाई अशना की बर्थडे है, तो अलिजबा ने पकड़ लिया है। और ये देखिए सब लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। और बर्थडे वाले दिन फ्रेंड्स बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो हमारी बहनें जब देखिए इस टाइम लाइट भी चली गई थी, और अरीबा का मुंह आप लोग देख रहे हैं ना पूरा खुल गया है। तो बारिश जो बहुत हुई थी, तो सब लोग अपने अपने घर जब वापस गए हैं तो बारिश में भीगते हुए गए थे। देखिए कितने मज़े कर रहे हैं ना, बलून फोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब सबको जो है नाश्ता हम लोग दे रहे हैं, और नाश्ता सबने कर लिया था, तो फिर हम लोगों ने खाना लगाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद फिर सबने खाना खा लिया क्योंकि सबको अपने अपने घर भी जाना था वापस, और रात बहुत ज़्यादा हो रही थी।
और ये देख लीजिए अब बच्चों को शरारत सूझी है तो बलून फिर से फोड़े जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने शोर शराबा करा था, तो फिर हमने वॉइस ओवर करा है और पूरे में कर लिया है, नहीं तो फिर हमने सोचा था थोड़ा थोड़ा हम ओरिजिनल वीडियो वाली आवाज़ लेंगे। तो आप लोग तो जानते ही हैं ना कि बच्चे जहाँ भी माशाल्लाह इकट्ठा होते हैं तो बस उधम बाजी शुरू होती है। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए ये सब हम खाना निकाल रहे हैं, बिरयानी, और बिरयानी चिकन बिरयानी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी। तो किसको किसको देख करके मुँह में पानी आया बिरयानी कमेंट में बताइएगा, और धमाल करते हुए बच्चों को देखिए कितना मज़ा कर रहे हैं इन लोग।